पूर्णिया के राजकीय कन्या उच्च विद्यालय में शिक्षा संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार और डीएम कुंदन कुमार शामिल हुए और छात्राओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान परमंडलीय आयुक्त और डीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कार्यों की विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान आयुक्त ने कहा कि सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी काम कर रही है, खासकर लड़कियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए महज 1% ब्याज पर 4 लाख का लोन दे रही है। वहीं लड़कों को 4% ब्याज पर 4 लाख तक का लोन दे रही है। वहीं डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि सरकार पढ़ाई में हर तरह का सहयोग कर रही है, जरूरत है खुद में वो क्षमता विकसित करने की, ताकि वो आज के कॉम्पिटिटिव युग में अपना झंडा गाड़ सके। मैं बात की शुरुआत इससे करना चाहता हूँ, किसी ने कहा है कि अगर एक बच्चा पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, बट अगर एक बच्ची पढ़ लेती है तो पूरा का पूरा आने वाला एक परिवार पढ़ता है। इसलिए बच्चियों की पढ़ाई बहुत आवश्यक है, और इसी चीज को ध्यान में रख के राज्य सरकार ने बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम्स, लगातार बैक टू बैक स्कीम्स आए हैं, जिससे कि कहीं भी संसाधनों की कोई कमी नहीं हो बेटियों को आगे बढ़ने में। ये राज्य सरकार की सबसे पहली मंशा है कि बेटियां आगे जहां तक जाना चाहती हैं जाएं, और उसमें कहीं संसाधनों, रिसोर्सेस की कमी कहीं भी नहीं आनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। आप सभी लोगों ने, मैं पुनः सभी योजनाओं को तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आप सब लोग अगर थोड़ा पीछे जाएं और याद करें कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना जब इस राज्य में आई, राज्य सरकार की इस परिकल्पना ने पूरे के पूरे सोसाइटी में बालिका शिक्षा के अवधारणा को बदल के रख दिया। नहीं तो आप देखें, एक सोशल स्टिग्मा होता था साइकिल से चलना बच्चियों का, लेकिन इतना बड़ा बदलाव हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार हमारी बेटियां नए नए परचम लहरा रही। एक योजना इतना बड़ा बदलाव कर सकती, और ये तो एक सिर्फ वानगी है। लगातार आप देखेंगे कि ढेर सारी स्कीमें, जिनके बारे में पूर्व के वक्ताओं ने चर्चा भी किया है, वो बनाए गए हैं ताकि किसी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। आप सब लोग को लग रहा होगा कि ये सारे स्कीम्स जो हैं, जिसका ये पत्रक सभी को मिल गया होगा जो हम लोगों ने बनवा के दिया है आपके लिए, सभी बेटियों को, बच्चियों को मिल गया है, ये हमने दिया हुआ है जिसमें कि सारे डिटेल्स हैं। हम सब लोग इसलिए ये शिक्षा संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि ये ना हो कि आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं हो और आप उसका लाभ नहीं ले पाएं। कभी कभी क्या होता है कि अपनी जिंदगियों में जब हम चूक जाते हैं तो कहते हैं, काश अगर मुझे पता होता तो मैं भी उसे यूज़ कर लेता और आगे बढ़ सकता था। तो ये आपकी जिंदगी में कोई काश ऐड नहीं हो, इसलिए लगातार पूरे जिला स्तर पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां आपको बताया जा रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या योजनाएं हैं, और आप सब लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए। बच्चे के गर्भधारण से लेके लगातार सारी स्कीम्स हैं जिसमें कि आप कहीं किसी को कठिनाई नहीं हो, ये इंश्योर किया जा रहा है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब लोग को जहां पहुंचना है पहुंच गए, अब इस देश की रूपरेखा क्या होगी, इसका क्या भविष्य होगा, वो आप सभी जो यहाँ पे बैठे हुए बच्चे हैं उनके आंखों में जितने बड़े सपने होंगे उतना बड़ा देश बन पाए। इसलिए हम लोग सिर्फ आपको ये आश्वस्त करने के लिए यहाँ आए हैं, राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, कि आप अपनी पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ें, हम सब आपके साथ हैं, आपको कहीं रिसोर्सेज, संसाधनों की कोई कमी कहीं भी नहीं होगी। अभी तक आपको तरह तरह की योजनाएं, छात्रवृत्ति की योजनाएं, पोशाक की योजनाएं सभी मिलती आ रही हैं। अब आगे जो आप पढ़ाई करेंगे, आप हो सकता है किसी टेक्निकल कोर्स में जाना चाहें, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, किसी फील्ड में जाना चाहें, तो भी DRCC के माध्यम से आपके लिए, जैसा आपको पता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं जिसमें 4 लाख रुपये मिलते हैं, जिससे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ये सभी बैक टू बैक स्कीम्स हैं आपके लाभ के लिए। कहीं आपको कोई कठिनाई होती है तो आपको तुरंत मिलना चाहिए, हम लोगों से किसी से भी मिल सकते हैं, शिक्षा विभाग में मिल सकते हैं, ताकि आप इसका लाभ जो है ले पाए अच्छे ढंग से। मैं दूसरी तरफ एक और चीज़ के लिए आना चाहूँगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का, कि जब पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है तो यहाँ उन्नयन बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और उसके अंतर्गत आप सभी के हाई स्कूल्स में वो क्लासेस चलती हैं, और उसी में एक पग और आगे बढ़ते हुए, जैसे पूर्व के लोगों ने बताया आपको कि अभी एक डिजिटल स्टूडियो तैयार किया गया है जिला स्कूल में, जिसमें डेली लाइव क्लासेस आ रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब या आपके क्लास के
एलईडी टीवी पे, आप उसमें क्रैश कोर्स हमारे टीचर्स करा रहे हैं, 40 से 42 टीचर्स हैं, और अभी क्रैश कोर्स जब खत्म हो गया है तो प्रैक्टिस सेशंस करा रहे हैं, सैकड़ों क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव अच्छे से करा रहे हैं ताकि 10th 12th के रिजल्ट में बहुत अच्छा आप लोग कर पाएं। इसके साथ ही अभी मुझे डीओ साहब और डीपीओ ने ये दिया है, जो हम लोगों ने ये किया कि आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं 10th बोर्ड की या 12th बोर्ड की, तो आप सीधा एग्जाम में जाते हैं, और किसी भी एग्जाम में ये हम सब लोगों का कॉमन अनुभव है कि जब पहली बार आप जाएंगे तो हो सकता है नर्वसनेस हो, हाथ हिलना शुरू कर दे, आप 50 जो आपके 50% क्वेश्चन से उसमें बबल फील करना रहता है, पता चला आपने गलत बबल फील कर दिया। इन सब चीज़ों के लिए अब ये 22, 23, 24 तारीख को सभी सब्जेक्ट्स का ये क्रैश कोर्स का जो टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, इसमें वैसे ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस हैं जैसा कि आपके बोर्ड में आने वाला है। क्लास 10th के जितने स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग को इसमें भाग लेना चाहिए, आपके विद्यालय में भी ये होगा, और उसी तरह जैसे बोर्ड में आपको क्वेश्चन कॉपी दिया जाएगा, कॉपी भी वैसा ही रहेगा, ताकि कंप्लीट सिमुलेशन आपका हो, बोर्ड से पहले आपको एक प्रैक्टिस सेशन हो जाए और आपकी क्या कमियां हैं, कहां आपके मार्क्स कम रहे हैं, ये सब भी आप लोग इवैल्यूएट कर पाएंगे। आज हम लोगों के बीच में सर हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने सपने बड़े रखिए। कभी कभी ये होता है कि हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं, वो नहीं करना है, ये सोचना है कि पूरे विश्व लेवल पे अपने परचम को कैसे ला रहे हैं। एक एक इंडिविजुअल जो है, मैं एक बात और टीचर्स और जितने पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहता हूँ कि जैसे हम सभी लोगों के फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, हर आदमी का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, उसी तरीके से हर बच्चे का टैलेंट डिफरेंट है, हर बच्चा खास है, हर बच्चे में बहुत आगे बढ़ने की पोटेंशियल है अगर लंबे समय में देखेंगे तो। इसलिए हमें सबको आगे बढ़ाने के लिए, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, तो एक एक बच्चा कैसे आगे बढ़े, राज्य सरकार की ये मंशा है, और इसमें आप सब लोग लगातार प्रयास करें और हर एक बच्चे को उनका जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से सफलता की उच्चतर शिखर पे हम लोग ले जाएं, ये हम सभी लोगों का संकल्प होना चाहिए। सभी वक्ताओं ने राज्य सरकार के द्वारा जो बच्चों की शिक्षा के लिए और खासकर बच्चियों की शिक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में चर्चा की। सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा यह इच्छा और प्रयास रही है कि बच्चियों के लिए, बच्चियों की पढ़ाई अगर उनको मैप करेंगे तो गर्भ में जब बच्चियों का इंसेप्शन हो रहा है, गर्भ से लेकर के और शादी के बियॉन्ड तक के केयर के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और देखेंगे कि जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट हो रही है तो कन्या उत्थान योजना चलाई गई है उनके लिए, और बच्चों के जन्म के बाद फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए और हायर एजुकेशन के लिए, फिर शादी के लिए, तो तरह तरह की स्कीम्स चलाई जा रही हैं खासकर बच्चियों को सशक्त बनाने के लिए और उनको आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए। चूँकि हम लोग इस हाई स्कूल में प्रांगण में है तो जो अभिभावक हैं उनको पता होगा कि आज़ादी के बाद अगर कहें तो 2011 तक केवल 2900 के आसपास हाई स्कूल्स थे और हायर सेकेंडरी तो बहुत कम ही थे, वो तो यूनिवर्सिटी सिस्टम से इंटीग्रेटेड था, यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस थे वहीं हायर सेकेंडरी की पढ़ाई होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दूरदर्शिता थी कि 2011 के बाद जब स्कूल्स का अपग्रेडेशन स्टार्ट हुआ और 2016 में हर एक पंचायत में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का निर्णय हुआ, और तब से लेकर आज तक हम लोग हर एक पंचायत में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोल रहे हैं, और जैसे जैसे भूमि की उपलब्धता हो रही है वैसे वैसे उनका भवनों का निर्माण भी हो रहा है। तो उसका मुख्य मकसद ये था कि बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े और स्कूल उनके घर के पास हो। स्कूल तो हम लोगों ने खोल लिया लेकिन शिक्षकों की बहुत कमी थी, तो अभी राज्य सरकार के प्रयास से और लगभग 2,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें अच्छी खासी संख्या में हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी के टीचर्स का भी अपॉइंटमेंट हुआ है।
तो धीरे धीरे प्रयास हो रहा है कि न सिर्फ एक्सेस सुधारा जाए बल्कि क्वालिटी को भी सुधारा जाए। तो स्कूलों की जो स्थापना की गई है उससे एक्सेस तो हो गया, घर के नज़दीक स्कूल्स हो गए हैं, लेकिन उनमें क्वालिटी सुधार के लिए टीचर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है, टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, मिशन दक्ष जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सरकार लगातार प्रयासरत है कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराया जाए और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन के आयाम मतलब फिजिकल स्कूल और फिजिकल टीचर्स नहीं है, आईटी का भी उपयोग हो रहा है। और जैसा कि आपके जिलाधिकारी अपने पूर्व के कार्यकाल में चाहे वो बांका हो बेतिया हो उन्नयन कार्यक्रम चलाया गया, उसके बाद उन्नयन टू भी चल रहा है और यहाँ पे फेसबुक लाइव के थ्रू भी क्लासेस हो रही है, तो नए तकनीकों का उपयोग करके भी क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को कैसे उपलब्ध हो ये इंश्योर किया जा रहा है। सरकार की ये मंशा है कि एक भी बच्चा छूटे नहीं। जैसे हम लोग पहले पल्स पोलियो का अभियान चलता था, अब तो पल्स पोलियो का अभियान बहुत कम हो गया है क्योंकि हम लोग इरेडिकेट कर चुके हैं उसको। तो जैसे पल्स पोलियो में चलता था कि एक बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, तो वैसे ही शिक्षा के लिए भी है कि एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये प्रयास है सभी बच्चे नामांकित हों और सभी को जो उनकी इच्छा है मिनिमम क्लास 8 तक तो हो ही, उसके बाद भी हायर एजुकेशन में सबको लाया जाए और सभी बच्चियों को शिक्षित किया जाए, सभी बच्चों को शिक्षित किया जाए। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि क्लास 1-8 ही केवल फ्री एजुकेशन नहीं है, क्लास 1-8 तो केवल आरटी के तहत फ्री एजुकेशन देना है। मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों के लिए तो हायर एजुकेशन कॉलेजेस भी फ्री किया हुआ है। अगर कोई यूनिवर्सिटी में बच्चियां जाती हैं एडमिशन लेती है तो उनको कोई एडमिशन फी नहीं लगता है। और साथ ही साथ जब आप ग्रेजुएट होकर के पास आउट होती हैं तो आपको एक मुश्त 50,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के तहत दी जाती है। ऐसा स्कीम पूरे देश में कहीं नहीं है कि बच्चियां जब ग्रेजुएट हो तो 50,000 रुपये की उनको सहायता राशि दी जाए और हायर एजुकेशन के लिए। टेक्निकल एजुकेशन या हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी 4 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है और उसमें भी बच्चियों को तो 1% ब्याज पे ही दिया जाता है। बच्चों को तो 4% ब्याज है और बच्चियों को 1% ब्याज पे दिया जाता है। तो ये भी स्कीम मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी राज्य में है या विश्व में कहीं भी है कि 4 लाख रुपए तक की राशि राज्य सरकार अपने कोष से दे, बैंक के माध्यम से नहीं दिया जाता है। ये राज्य सरकार अपना कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की हुई है और उसके थ्रू दिया जाता है। शुरू में जब ये स्कीम लॉन्च किया गया था तो ये बैंक के माध्यम से था और बैंक भी परेशान करता था उसको सैंक्शन करने में, तो फिर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि लोगों को बच्चों को परेशानी ना हो पढ़ाई के लिए, तो अपना कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करके उसको अपने कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो भी बच्चे चाह रहे हैं उनको ये ऋण आराम से उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो सरकार एकदम तत्पर है न सिर्फ आपको शिक्षा देने के लिए बल्कि आपके हुनर को भी बढ़ाने के लिए, और लेबर डिपार्टमेंट हो या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो उसकी तरफ से हुनर या स्किलिंग का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो सरकार की सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में आपको लीफलेट उपलब्ध कराया गया है, इन योजनाओं का तो लाभ ले ही, साथ ही साथ जैसा कि डीएम साहब ने कहा कि हमेशा ऊँचा और बड़ा करने का सोचे, क्योंकि लक्ष्य अगर छोटा रखेंगे तो प्रयास भी छोटा ही होगा। माननीय जिला पदाधिकारी मंजा सिंह, पदाधिकारी गण, अभिभावक गण एवं शिक्षा गण के समक्ष एक शिक्षा संवाद कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है जिसमें मैं सानिया परवीन एजुकेशन सिस्टम के विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उन्नयन बिहार स्मार्ट क्लास योजना, इसके तहत सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो हमारे भी विद्यालय में मौजूद है। इससे हमें पढ़ने में एक अलग ही रुचि मिलती है, हमें एक अलग माहौल मिला है।
कई बार हम वर्ग में शिक्षकों के बीच पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, एक ही चेहरा एक ही आवाज, पर जब से ये स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध हुई है, रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से पढ़ना, उन्हें समझना अब हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो गया है। हम काफी लंबे समय तक अपने पाठ्य पुस्तक की विषयों को लंबे समय तक याद रख पाते हैं, अब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुलभ है। अब स्मार्ट क्लास की सुविधा से जो है हम अपनी चीजों अब हम अपने पाठ्य पुस्तक की चीजों को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। और दूसरी योजना जो हमारे माननीय डीएम सर के द्वारा चलाई जा रही है, फेसबुक लाइव क्लास, इसकी चर्चा गत महीनों से हम छात्रों के बीच हो रही है। इसके अंतर्गत 12th और 10th के बोर्ड स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, वो भी ऑनलाइन। कई बार हम स्कूल नहीं आ पाते हैं जिससे हमारे टीचर्स के लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, बट अब जो है हम घर पे ही बैठे फेसबुक लाइव क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। लास्ट टाइम में जितनी हेल्प हमें सेल्फ स्टडीज कोचिंग से नहीं मिल पाती है, शायद अब हमें फेसबुक लाइव क्लास से मिलेगी। अभी तो ये 12th के लिए भी चल रही है, पर बहुत जल्दी 10th के लिए भी स्टार्ट होने जा रही है, और ये देन है हमारे माननीय जिला पदाधिकारी जी की। आज का युग विज्ञान का युग है, जिसमें हर किसी को डिजिटल चीजों से जुड़े होना चाहिए। इसी के बीच हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की भी सुविधा दी गई है, जिसके अंतर्गत हम कंप्यूटर सीख रहे हैं और आगे भी इसी तरह सीखते रहेंगे। और मैं आग्रह करूंगी कि डीएम सर आगे भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे कार्यक्रम लाए, जिससे एजुकेशन सिस्टम में और भी ज़्यादा विकास हो और हमें पढ़ने में उत्साह मिले।